अस्सलाम वालेकुम. इस मैच में सेल्फ रिवाइव की वजह से जो मेरी बचत होती है ना, मैं कहती हूँ यहाँ पे सीन ये होता है कि दो बंदे होते हैं शपाटर किस्म के एनिमीज. मेरी जगह अगर ये 1v3 किसी बड़े टिकटॉकर ने किया तो सब लोग कहेंगे वाओ नाइस ओपी गुड गेम प्ले. लेकिन अब ये 1v3 मैंने किया तो सब लोग कहेंगे तुम तो बोट हो, एनिमीज अच्छे प्लेयर नहीं थे. मैं जितना मर्जी अच्छा खेलने की कोशिश कर लूँ सब लोगों ने यही कह रहा होता कि मैं बोट हूँ. ये इस बात की खुशी है एटलीस्ट मैं ट्राई तो कर रही हूँ ना अच्छा खेलने की, कभी कभी अच्छा भी खेल लेती हूँ. बाकी जो अप्रिशिएट करते हैं उनको थैंक यू, जो अप्रिशिएट नहीं करते गुखा. लोग कहते हैं कि पबजी एक गेम ही है और पागल हो, हमने तो कभी किसी को एक गेम के पीछे इतना पागल नहीं देखा. अब उन लोगों को ये कौन समझाएगा क्या होता है दोस्तों के साथ खेलना, क्या होता है 1v4 क्या होता है और किसी अपग्रेडर को मारने की खुशी क्या होती है. अब उन लोगों को ये कौन समझाएगा अपग्रेडर क्या होता है, अपग्रेडेड स्किन्स क्या होती है. इतने महंगे आउटफिट्स कभी रियल लाइफ में भी नहीं खरीदे होते पबजी प्लेयर्स ने जितने वो पबजी में खरीदे. उन लोगों को क्या पता पबजी के अकाउंट्स की कीमत. पबजी की हिस्ट्री में इतने महंगे महंगे अकाउंट्स भी है ना जिनको सेल करके आप मेंशन भी खरीद. इन लोगों को लगता है कि पबजी सिर्फ एक गेम है, पबजी एक गेम नहीं है, हम लोग इमोशनली अटैच है. मैंने सोचा था कि जब मेरे 50 के फॉलोअर्स हो जाएंगे तब मैं अपना फेस रिवील करूंगी. 50 के फॉलोअर्स तो मेरे हो चुके हैं और अब मैं सोचूं कि अपना फेस रिवील कर दूं. लेकिन मैंने काफी अर्सा पहले भी काफी बार अपना फेस रिवील किया, काफी बार नहीं दो तीन बार अपना फेस रिवील, लेकिन मैं काफी लोगों को अच्छी नहीं लगी तो इसलिए मैंने फिर उसके बाद अपने फेस वाली वीडियोस जो है रिमूव कर दी. इसलिए मैं अब आप लोगों से पूछूंगी कि मुझे बताओ मैं अपना फेस रिवील करूं या नहीं करूं या ऐसे ही रहने दूं. वॉइस ओवर ही ठीक है. और मुझे पता है जो मेरे रियल असल फॉलोअर्स है ना वो मुझे कहेंगे कि फेस रिवील नहीं करो. अपने फॉलोअर्स भी सुनूंगी कि मुझे फेस रिवील करना चाहिए या नहीं. मुझे ना एक चीज की दिल से खुशी होती है कि जब मुझे गेम में ना फॉलोअर्स मिलते हैं और मेरे साथ टीम अप करते हैं मुझे इस चीज की बहुत खुशी होती है. लेकिन इस चीज का एक नुकसान भी है कि टीम अप करने से भाई आईडी बैन हो जाती है. ना ही मैं अपनी आईडी का रिस्क ले सकती हूँ, ना ही मैं ये चाहती हूँ कि टीम अप करने वाले की भी आईडी बढ़ जाए. कराची की लोबी बहुत ज्यादा आ रही है. मैंने सोचा है मतलब हो जाता है कभी कभी कराची की लोगों के साथ. लेकिन जब मैंने अपना टिकटॉक ओपन किया उसमें एनालिटिक्स में देखा तो भाई मेरी सबसे ज्यादा वीडियोस कराची में देखी जाती है. कराची की वॉचिंग सबसे टॉप पर और कराची के बाद सरप्राइजिंगली पिशावर में मेरी वीडियोस देखी जा रही है और पिशावर के बाद लाहौर. और मजे की बात तो ये है कि मुझे सबसे ज्यादा सपोर्ट ना कराची की वाम कर रही है, उनके कमेंट्स बहुत ज्यादा. और मैंने सुना है कि एक कराची बहुत छुपाट रही होती है. वैसे कोई बात नहीं, मैं कौन सा कम छुपाट रही हूँ, सबसे बड़ी छुपाट रही हूँ. अच्छा तो एक भाई साहब का मुझे कमेंट आता है, मुझसे पूछते हैं कि तुम्हारे गेम खेलने का टाइम क्या है, तुम्हें मैचिंग करके मारना है. तो मैं रात को ही खेलती हूँ मोस्टली, 12 बजे से ऑनवर्ड मेरी गेम खेलने का टाइम होता है. तो आप उस टाइम मुझे ढूंढ कर मार सकते हैं मेरे साथ मैचिंग करके. और मैं अनरैंक खेलती हूँ, रैंक मैं बहुत कम खेलती हूँ, तो अनरैंक में आप लोग ढूंढ के मुझे मार सकते हैं. और एक और चीज़ है जो मैं बहुत 2-3 साल पहले अपग्रेडर मिलता था ना लॉबी में तो उसकी इतनी इज्जत की जाती थी ना भाई, लोग उसके साथ. आजकल के दौर में नॉन अपग्रेडर को अपग्रेडर मिल जाता है तो भाई अगर वो अपग्रेडर उस बंदे के हाथ लग जाए तो वो तो पकड़ के उसको मुक्के गिराता है, उसको गालियां देता है भाई. लेकिन ये चीज गलत है. अगर कोई अपग्रेडर आपको अच्छा खेल के मार रहा है तो भाई उसको अप्रिशिएट करो कि भाई तू अच्छा खेला है या खेली है. और यहाँ पे बात सिर्फ अपग्रेडर की नहीं कर रही. चलो अपग्रेडर्स को छोड़ो मिट्टी बाउल, यहाँ पे किसी को हजम ही नहीं था कोई किसी को अच्छा खेल के मार रहा है भाई, क्या मतलब समझ ही नहीं आती, अजीब लोग. मैंने एक चीज बहुत नोट की है, जब लड़कों के स्क्वाड में रैंडमली कोई लड़की आ जाए तो भाई उनकी तो टोरी ही चेंज हो जाती है, उनका एक्सेंट वगैरह सब कुछ चेंज हो जाता है. लड़की के सामने इतनी नरमी से बात करेंगे, ऐसे शरीफ बन जाएंगे जैसे कि भाई उनसे बड़ा हाजी कोई नहीं. लेकिन जिस लड़की के सामने ये लोग शौखे बन रहे होते हैं ना, असल में उस लड़की की आईडी में भी एक लड़का ही छुपा होता है भाई. पबजी अब पबजी नहीं रही लड़कों, पबजी फेसबुक बनती जा रही है. तुम लोगों जैसे लड़के ही लड़की की आईडी में छुपे होते हैं, सो बी केयरफुल. और मेरी डीपी भी काफी लड़कियां यूज कर रही हैं भाई. अब ये निक्के निक्के गुंडे मेरी वीडियोस के नीचे कमेंट करके कह रहे होते हैं तुम गलती से भी हमारी लॉबी मत आ जाना, कभी हमारे मैच में मत आ जाना, हम ये कर देंगे वो कर देंगे. भाई मुझे तुम लोग एक बात बताओ, कोडूस तुम लोग क्या कर लोगे, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, नॉकआउट कर दोगे, नो फिनिश कर दोगे,
मुक्के मारोगे, गालियाँ दोगे, भी क्या करोगे, इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। चलो ठीक है, जिन लोगों को मैं अच्छी नहीं लगती उन लोगों की लॉबी अगर मैं कभी गलती से मैं उनको दिख गई तो आप लोग मुझे मार देना, मुझे फिस करा देना, मुझे गाली दे देना, मतलब इट्स ओके, कोई बात नहीं गे, मैं आप लोग गाली दे देना, ज्यादा ज्यादा इससे ज्यादा क्या कर सकते हो। लेकिन अगर सोचो तुम लोग मेरे हाथ लग गए तो तुम लोग के साथ क्या होगा। एक गर्ल गेम होने का ना फायदा भी है और नुकसान भी है। फायदा ये है कि सपोर्ट बहुत मिलती है क्योंकि वो लड़कियां होती हैं, इसलिए उनको सपोर्ट मिलती है, इसलिए नहीं कि वो गेमर्स होती हैं। और कुछ लड़कियां इस सपोर्ट का फायदा बहुत अच्छे तरीके से उठाती हैं, अपनी ये गलती की के अपनी हल्का फुल्का फेस रिवील कर दिया, लेकिन बाद में मुझे यही कमेंट मिले कि ये लड़की है इसलिए इसको सपोर्ट मिली है। इसलिए मैंने थोड़ा सा प्रैक्टिस की अपनी गेम को और अब मैं ज्यादा ज्यादा कोशिश ये करती हूँ कि मैं इसीलिए मैं अपनी गेम को सुधारने की कोशिश करी ताकि कल को मुझे ये पबजी वाली निबनी भी की तो क्या ही बात है भाई, उनका लेवल ही अलग होता है। निब्बा क्या करता है, अपनी निब्बी को बिठा देता है, रिकॉल कर देना और आगे से उसकी और अगर कभी गलती से निब्बा निब्बी एक साथ लैंड हो जाए तो निब्बा अपनी निब्बी से कहता है कि तुम छुप कर बैठ जाओ, मैं फाइट लेता हूँ, और अगर मैं नॉकआउट हो गया तो तुमने क्या करना है, एकदम से निकल के आना, एनिमीज का तरह निकालना है, उनको मार देना है और मुझे रिवाइव कर देना। मेरा तरह निकल चुका है इसलिए बता रही हूँ। पबजी वाहिद एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको डॉक्टर मिलेंगे, इंजीनियर मिलेंगे, पायलट मिलेंगे, पुलिस वाले मिलेंगे, एएसपी मिलेंगे, डीएसपी मिलेंगे, जनरल मिलेंगे, कर्नल मिलेंगे, हर किस्म के आपको पेशे वाले लोग मिलेंगे, किंग मिलेंगे आपको, क्वींस मिलेंगी, प्रिंसेस मिलेंगी, निब्बा निब्बी तो आपको मिलेंगे हर मैच में, हर जगह पे निब्बा निब्बी तो आपको जरूर मिलेंगे, और कुछ मेरे जैसी बाजियां भी मिलेंगी आपको, जो मर्जी चाहे नाम रख लो, कोई रोक टोक नहीं है, लेकिन जो मेरा नेम है ना, मेरी नेम की वजह से मुझे जो मुक्के पड़ते, तो मेरा इतना सब कुछ कहने का मकसद ये है कि जो मर्जी चाहे नेम रखो, आपकी अपनी आइडिया, मैं जो स्मैश एंड क्रश एज मच एज यू कैन। Yo, welcome! Yo, welcome! Accepted. Choose a car and let's race. Yo! We are now live for the greatest race in the history of today. We'll be right back.
for this. Red Wheel 1. Which car? Put the pedal to the metal, friend. This one's not gonna be easy. Last time, but trickier, I guess. All right, spotlight's on you. Looks good to me. Let's launch it. Ready to roll! Challenge cleared!